अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका ब्यूरो चीफ साउथ कोरिया से एम शारिफ सईद ला रहा हूँ आपके लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, न्यूज, व्यूज, इंटरव्यूज। स्टे ट्यून OPTV ग्लोबल। इफ यू हैव एनी न्यूज अराउंड द साउथ कोरिया सिटीज, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। नाज़रीन इकराम, 18वां 2019 इतेवान ग्लोबल विलेज फेस्टिवल युंगसान सियोल सिटी में मुनक्किद हुआ। ये फेस्टिवल 2002 से हर साल अक्टूबर में मुनक्किद किया जाता है। फेस्टिवल एक नुमाइंदा आलमी सकाफ़ती मेला बन गया है, जो न सिर्फ मुकामी कोरियन फैमिलीज़ को अपनी तरफ रागिब करता है, बल्कि बैनुल अक्वामी गैर मुल्की फैमिलीज़ भी इसमें शिरकत करती हैं। बल्कि इस फेस्टिवल की रौनक ही ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद होते हैं। युंगसान इतेवान सियोल सिटी में वो जगह है जहाँ विज़िट पर आए हुए गैर मुल्की ज़रूर विज़िट करते हैं। युंगसान कई एतबार से जाना जाता है। यहाँ युंगसान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो कि एशिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। युंगसान US आर्मी बेस है। इसके अलावा साउथ कोरिया की सियोल सेंटर मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर है। इतेवान में मुख्तलिफ ममालिक के रेस्टोरेंट हैं, ख़ास तौर पर हलाल रेस्टोरेंट हैं, और बहुत से अरबी, तुर्की के अलावा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, और ख़ास कर इतेवान में कोरियन हलाल रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इतेवान फेस्टिवल में इस दफ़ा 30 ममालिक ने भरपूर शिरकत की। इस फेस्टिवल में इन ममालिक ने अपना कल्चर पेश किया और ख़ासूसी तौर पर परेड में भी हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वाले ममालिक का ज़्यादातर ताल्लुक एशियाई ममालिक से होता है। इसके अलावा अमरीका, अफ्रीका, वेस्ट यूरोप, खलीज के ममालिक के अलावा जनूबी अमरीका के लोग भी इतेवान फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। दो रोज़ा इतेवान ग्लोबल विलेज फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के अपने फूड्स को मुकामी कोरियंस और कोरिया में बसने वाले गैर मुल्की अफराद को मुतारिफ कराते हैं। इसके अलावा अपने ममालिक की अशियाए खुर्दोनोश और हाउस होल्ड मलबूसात वगैरह भी शामिल हैं। इस फेस्टिवल में हज़ारों की तादाद में लोकल कोरियन और कोरिया में रहने वाले गैर मुल्की फैमिलीज़ और अफराद शिरकत करते हैं। इस इतेवान ग्लोबल विलेज फेस्टिवल में बैनुल अक्वामी सफारतकार भी शिरकत करते हैं, और इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में गैर मुल्की एम्बेसीज़ का भी तावुन हासिल होता है। इसकी ख़ास वजह यह है, दुनिया की बहुत सी एम्बेसीज़ युंगसान की हदूद में ही वाक़ हैं, और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक की युंगसान की हदूद में ही रिहाइश पजीर है, जिसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी शामिल है। इस इतेवान ग्लोबल विलेज फेस्टिवल को जनूबी कोरिया की हकूमत से माली तावुन नहीं मिलता, बल्कि युंगसान म्यूनसिपल अपने तौर पर इस फेस्टिवल को हर साल मुनक्किद करती है। इतेवान ग्लोबल विलेज फेस्टिवल जहां लोगों की तफरी, खुश जायका खाने, मुख्तलिफ कल्चर्स को देखने का मौका और मुख्तलिफ ममालिक की अशिया ख़रीदने का बेहतरीन मौका मिलता है, वहीं साथ साथ मुकामी कारोबारी हजरात को भी अच्छा बिजनेस का ज़रिया फराम होता है। OPTV ग्लोबल, एम शारिक सईद, सियोल, साउथ कोरिया।
time I'm in a Seoul city in a very famous Yongsan Bucheon area, in a very famous area for foreigners, Itaewon. So Itaewon is means you every year the Yongsan Bucheon arranging the very nice festival in South Korea, the very famous festival. 30 countries is participates in here around the world, and this is 18 years regularly. This every year is improvement this event. So with me he is a representative with this event, or he is very good working every year. His team is very good working. He is the president of Yongsan Global is a festival. So sir, what's your opinion? Today is very nice, event is finished. Yesterday and today every year, so I saw 15 years regularly. So day by day is very good improvement. So I hope sir, in the future is more improvement in the multi-nation, multi-culture community. Yes. First of all, so thanks for giving a nice word for our event. You know, so, you know the reason why we got a very successful event, because this is not only supported by government office. This is all prepared by all citizens in Yongsan-gu and all merchants in Yongsan area. That means everybody in Yongsan people is connected and so cooperated. That's the success point of this event. Events or majority is showing the food. Yes. So I see many stores food. Yes. People buy in many, not only Korea, but thousands of people in South Korea around the South Korea is being here. So I hope that in the future, because you know, it's more than 80% of the embassy in Korea is located in Yongsan area. So it's always, connected to the local people, and we prepare some, reach the embassy to our citizens. So that's the one of the points here. We go to hold the more than 30. Go to Itaewon! Drop the beat! Indonesia! 축하합니다! Congratulations. Good relation, understand the culture and the food and right.
So I think it's the biggest event, say, festival in Seoul City. I don't say that. It's not the biggest festival, but it's quite big. You know, not Samsung, not the Alkenda, Sochoku, Songdoku, but is the Yongsan-gu is the biggest. Yeah, you're right. Okay. Thousands of people. Yesterday, thousands of people coming in here. Thousands is today. You are around in here. Yongsan Bay is in Islamic culture centers. The different other multinationals living in Yongsan. Yeah, it's quite a big festival. You're right, I think. So really, I hope day by day you improve this event and the next year to the more good, right? I think so, because it's been, I think, 18 years since it opened. Yeah. So every year it's getting bigger and getting better. So I think next year will be better. Thank you. Congratulations, Seoul Jupals and the Yutewan. हम उनका कल्चर अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमारी फैमिली है, कोरिया फैमिली है. हम तो उनका हर त्यौहार जो भी है हम इन्वाइट करते हैं उसमें और जाते हैं और जाना पड़ता है. अच्छा, आपकी वाइफ ने पाकिस्तान का भी विजिट किया है और इनसे अगर इनसे विजिट किया है तो इनसे जरा कोरियन में पूछ के हमारे नाज़रीन को बताएं कि इनको पाकिस्तान कैसा लगा. मेरी फैमिली में 4 दफ़ा पाकिस्तान हो गया ही है और 3 से महीने रह के आए हैं. कह रही है बहुत अच्छा लगा क्योंकि कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं. जहाँ भी जाए हम अच्छे लोग हैं, स्माइल करते हैं, खुशी से मिलते हैं. हम फॉरन से आए और जहाँ भी जाए बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है. Korean culture and the past, you know, the painting, designing. So in here with me is the senior teacher, my left side, my right side the foreigners, he's coming with children. How about yourself, opinion this festival? Oh, we love coming here. This is our 4th time coming to this festival. Yeah, right. So you have been here? Yes, yes. So multi-nation, multi-food, multi-culture. Yes, yes. And day by day is improving. 18 years this event in Itaewon. So every year is improvement. Yes, yes. We enjoy it more and more every year we go. Lovely, thank you, sir. How about madam? So you want in here the freelance for children, for Korean children. How about your opinion at this event? Thank you. 이거 우리 선수님이야. 이거 한국의 우리 선수님이야. 한국만 선수님이야. So, no, 감사합니다. Thank you. Your good job with your friends for you teaching for children, for Korean children, for painting. Thank you. और ये एक बड़ी खुशी की बात है. इस फेस्टिवल के अंदर पाकिस्तान के कई स्टॉल लगे हैं के हवाले से और उसके अलावा पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट के भी.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. क्या आपका H1 वीजा रिफ्यूज हो गया है? आप अमेरिका में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं? क्या आप अमेरिका में सुकून अख्तियार करना चाहते हैं? Hi, my name is Bob. I'm with the Cornerstone Equity Planning. यहाँ के शहरी बनना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल की जानिब पेशकदमी करना चाहते हैं? We specialize in the EB-5 immigration to the United States.